नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। खेल स्टेडियम की दुर्गति से परेशान ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे। चरखी दादरी के भाजपा विधायक सुखविंदर मांडी द्वारा गोद लिया कस्बा जेजू कला का खेल की दुर्गति का कदर है कि ग्रामीणों को अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। सुविधाओं से महरूम गांव का खेल स्टेडियम की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ग्रामीणों द्वारा बार बार विधायक से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक अरदास लगाई जा चुकी है, इसके बावजूद सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई। खिलाड़ियों का भविष्य भी अंधकार में दिखाई दे रहा है। खेल स्टेडियम की दुर्गति एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खिलाड़ियों के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव के बस स्टैंड पर धरना देने के साथ ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन पर बैठे पूर्व सरपंच राजेश सांगवान, बिशन सिंह, पंच प्रदीप जयसिंह ने बताया कि वे बार बार खेल विभाग के अधिकारियों से लेकर प्रशासन तक के अधिकारियों से लिखित में दे चुके हैं। यहाँ तक कि भाजपा विधायक सुखविंदर मांडी द्वारा गांव को गोद लेने के बाद सूद तक नहीं ली जाती। समस्या है, गांव में पानी भर ऐसा कोई प्रशासन नहीं करे, ना कोई सरपंच करे, कोई काम कर, कोई ध्यान नहीं दे। और बालक ब्रून माटी हो रही समारे कैसे रोटी पूड़ी ले आने जा से लकड़े से घूमण ने कितने भी राखो के बरा कित कितने तेसल तेसल पड़े से तो नहीं बताओ। इस तो फालतू के वो होगी, ये तो 2 साल ते से कोई भी सुनाई कोई नहीं करे। और जब करेंगे जब हम आग गाँव इतना कोई नहीं करे प्रशासन। आपने धरना दे रखे? धरना दे रखा, धरना तो कौन सर घेराव करांगे न्यू को हम रोड जाम भी करांगे, आगे ताई पूछेंगे देखा अगर इन सद जाते वो ठीक है ना। चरखी दादरी से साहिल गिरधर की एक रिपोर्ट।